हाँ दोस्तों, तो हमारे पास है यहाँ पर एक 2x2 क्यूब, यानी कि रूबिक्स क्यूब। हाँ, तो 3x3 रूबिक्स क्यूब का जो बिगिनर्स मेथड है वो मैं बंगाली लैंग्वेज में मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, इसके पहले वाला ही वीडियो, ठीक है? तो उसको देख लीजिए अगर आप 3x3 को बिगिनर मेथड से मिलाना चाहते हैं तो। और उस वीडियो का ही हिंदी वर्जन इस वीडियो के बाद आएगा, ठीक है? तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वो वीडियो आएगा। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं क्या दिखाने वाला हूँ कि ये वाला जो 2x2 रूबिक्स क्यूब है इसको आप आसानी से कैसे मिला सकते हैं। मैं स्पीड सॉल्यूशन नहीं दूंगा क्योंकि स्पीड के लिए कुछ अलग किस्म के ही मेथड्स है। हाँ, तो पहले मैं बिगिनर मेथड का ही एक मॉडिफाइड वर्जन आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक दो मूव्स है, उस मूव्स को आपको याद रखना हो। तो पहला मूव हमारे पास है, इसको उठाओ, इसको घुमाओ, नीचे लाओ, घुमाओ, उठाओ, दो बार घुमाओ, फिर नीचे लाओ। क्या बोला? फिर से, उठाओ, घुमाओ, नीचे लाओ, घुमाओ, उठाओ, दो बार घुमा के नीचे लाओ। फिर ये दाएं हाथ से हो गया, अब बाएं हाथ से करेंगे। उठाओ, घुमाओ, नीचे लाओ, घुमाओ, उठाओ, दो बार घुमा के नीचे लाओ। फिर से, उठाओ, घुमाओ, नीचे लाओ, घुमाओ, उठाओ, दो बार घुमा के नीचे लाओ। हाँ, हो गया। तो चलो, तो ये वाला जो मूव्स है प्रैक्टिस कर लीजिए दोनों हाथ से। तो ये है नंबर वन मूव। अब सेकंड वाला जो मूव है, सेकंड मूव है कुछ ऐसा, देखो अपने जो लेफ्ट साइड है उसको उठाओ, फिर टॉप को घुमाओ, फिर राइट साइड को नीचे लाओ, फिर जो बटम है उसको एक बार दो बार घुमाओ, फिर राइट साइड को ऊपर ले जाओ, फिर इसको इधर ले आओ, फिर इसको नीचे लाओ, फिर बटम को फिर से दो बार घुमाओ और इसको एक बार दो बार। तो ये वाला मूव मैं बोलूँगा कम और दिखाऊँगा ज़्यादा, आप थोड़ा सा फोकस करके देख लीजिएगा। स्टार्ट, देखो। फिर से, हो गया। तो ये वाला मूव भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके? तो जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके क्या होगा, जो स्पीड है वो डेवलप होगा आस्ते आस्ते, ठीक है? तो दो मूव्स, यही दो मूव्स आपको याद रखना होगा। तो पहले वाला मूव जो मैंने सिखाया उसको मूव ए बोल रहा हूँ और इसको मूव बी बोल रहा हूँ। जब मैं बोलूँगा कि मूव ए आप समझ जाना, और जब बोलूँगा कि मूव बी तो ये वाला मूव समझ जाना, ठीक है? तो जब 3x3 में हम क्या कर रहे थे कि पहले हम प्लस बना रहे थे, तो यहाँ पर प्लस बनाने की कोई स्कोप ही नहीं है, इसलिए हम एक साइड को सॉल्व कर लेंगे अपने ही दिमाग से। तो सोच सोच कर जो एक साइड को आपको सॉल्व करना होगा। तो देखो, यहाँ पर तो एक फेस सॉल्व हुआ, लेकिन ये वाला कलर तो इसमें मैच हुआ है, इसमें मैच नहीं हुआ, इसमें मैच नहीं हुआ। तो ये जो कलर है यहाँ पर ऑरेंज, तो यहाँ पर ऑरेंज आएगा। इन कलरों को हमें आपस में मिलाना पड़ेगा, तभी हमारा एक लेयर सॉल्व होगा। तो आप ही कर सकते हैं सोच सोच कर। देखो, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, आप अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते। तो हमारे पास जो बॉटम लेयर है वो सॉल्व हो गया। देखो, यहाँ पर है वाइट और ये वाला जो कलर्स है आपस में, ये भी हमारा सॉल्व है। तो ये हमारा बॉटम लेयर सॉल्व हो गया। अब जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, जो मूव्स सिखाया, मूव्स ए और मूव्स बी, ये वाला मूव्स काम आएगा टॉप लेयर को सॉल्व करने के लिए और पूरे क्यूब को ही सॉल्व करने के लिए। देखो, जो वाला साइड मिल गया आपका वाइट, उसको बॉटम में रख दो। बॉटम में रखने के बाद देखो, आपको एक ये मिलेगा, एक क्या बोला है, पोजीशन मिलेगा। पोजीशन में देखो क्या, ये वाला जो एक येलो होगा, यानी कि नीचे जो कलर होगा उसका ऑपोजिट कलर वाइट का येलो। हाँ, तो एक येलो यहाँ होगा, एक येलो आइदर राइट साइड के कॉर्नर में होगा और लेफ्ट साइड के कॉर्नर में होगा। यहाँ पर देखो, स्पेशल राइट साइड के कॉर्नर में है। इसको अगर मैं घुमाऊँ तो भी एक राइट साइड के कॉर्नर में है, इसको अगर मैं घुमाऊँ तो भी एक राइट साइड का कॉर्नर में है। यानी कि तीन क्यूब हमारे पास ऐसा रहेगा जो कि राइट साइड के या फिर लेफ्ट साइड के, वो डिपेंड करता है, कॉर्नर में रहेगा, राइट? और एक जो क्यूब है वो ऑलरेडी ऊपर हमारे पास कॉर्नर में सॉल्व रहेगा। अब इस वाले जो येलो है, इसके नज़दीक वाला येलो हम देखेंगे। तो इसके नज़दीक वाला येलो क्या ये है, क्या ये है, या फिर ये है? तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों सबसे नज़दीक है। तो नज़दीक वाला येलो, इसका नज़दीक, सबसे नज़दीक कौन है? ये। तो इसको आप अपने अपने तरफ फेस करें। हाँ, तो फेस में रखेंगे,
सामने रखेंगे, फिर मूव ए लगाएंगे, मूव ए, उठाया घुमाया, नीचे लाया घुमाया, उठाया दो बार घुमा के नीचे लाया। तो देखो अगर मूव ए हम लगाएंगे तो टॉप लेयर हमारा सॉल्व हो जाएगा, राइट। ओके, सेकेंड केस हमारे पास आता है जो टॉप में कोई भी येलो हमारे पास सॉल्व नहीं रहेगा। ठीक, देखो ये वाला दो येलो यहाँ पर जुड़वा इस तरफ, एक येलो इस तरफ, एक येलो इस तरफ, आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जो सिंगल सिंगल येलो है यानी कि ये वाला और ये वाला, एक को सामने पकड़ना होगा, एक को पीछे पकड़ना होगा। जब आप पकड़ेंगे सामने और एक को पीछे, तब आइधर आपके लेफ्ट साइड में जुड़वा आ जाएगा या फिर राइट साइड में जुड़वा आपका आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि देखो ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ने के बाद आपको क्या करना होगा कि देखो इधर से आपको मूव वन लगाना होगा, मूव वन लगाना। अब लगाने के बाद आप देखेंगे कि पहला वाला जो केस है हमारे पास, जो राइट साइड में टॉप राइट कॉर्नर में हमारा येलो घुमाने के बाद भी येलो, जो पहला वाला केस है, वो पहला वाला केस यहाँ पर जिसमें हम नज़दीक वाले येलो को देखते थे, वो वाला केस बन जाएगा। तो वो वाला केस बन गया यानी कि आप आसानी से मूव ए लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हो गया। अब थर्ड केस देखेंगे हम, थर्ड केस होगा कुछ ऐसा कि ऊपर में तो दोनों येलो जुड़वा मिल गया, लेकिन बाकी जो जुड़वा है वो ऐसे रहेगा, यानी कि ऊपर में दो जुड़वा और एक फ्रंट में जुड़वा। तो फ्रंट में आपको जुड़वे को, फ्रंट में जो जुड़वा है उनको सामने पकड़ना होगा, पकड़ने के बाद मूव ए लगाना होगा। जब हम मूव ए लगा देंगे तब हम चेक करेंगे कि वही पहला वाला जो ओरिएंटेशन है जहाँ पर आइदर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में या फिर टॉप राइट कॉर्नर में येलो रहेगा। तो यहाँ पर देखो इस बार क्या हुआ कि टॉप लेफ्ट में येलो आए, घुमाओ यहाँ पर भी टॉप लेफ्ट, घुमाओ यहाँ पर भी टॉप लेफ्ट, और एक बार जो येलो है वहाँ पर ऑलरेडी सॉल्वड है। तो इसका नज़दीक वाला कौन है, ये, तो इस साइड हम पकड़ेंगे और मूव ए लगाएंगे, लेकिन इस बार हम उस साइड से लगाएंगे जिस साइड में येलो है। देखो जब टॉप राइट कॉर्नर में जब था तब तो हम इस हाथ से यानी कि राइट हैंड से लगा रहे थे मूव ए, लेकिन इस बार हम लेफ्ट हैंड से लगाएंगे क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड में येलो है। तो लगा रहा हो हमारे पास मूव ए, आफ्टर मूव ए हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा सॉल्व। तो और एक केस है, उस केस को भी देखेंगे, एंड हेयर इज़ द केस जहाँ पर कॉर्नर वाला जो येलो है वो तो टॉप में सॉल्व रहेगा और बाकी तो कॉर्नर वाला येलो है वो ऐसे रहेगा, या तो एक आपके सामने आपके लेफ्ट साइड पर, और अगर आप ऐसे पकड़े तो आपके सामने, और या तो आपके राइट साइड पर। अब किसी तरह से, किसी भी तरह से आप पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद देखो इस साइड में येलो है राइट, तो इस साइड से मत लगाना, जिस साइड में येलो रहेगा उस साइड से मत लगाना, तो उसके ऑपोजिट साइड से लगाएंगे, कौन सा, मूव ए। ओके, सो मूव ए लगाने के बाद हमारे पास वही पहला वाला ओरिएंटेशन आ जाएगा। देखो इस बार हमारे पास टॉप राइट कॉर्नर में आया है ना, तो वही नज़दीक वाले को पकड़ के जिस साइड येलो है उस साइड से लगा दो मूव ए। हाँ, तो यानी कि जो एक नंबर केस के बाद में जो सारे केस मैंने दिखाया, उस केस में हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे मूव ए लगाकर ताकि हमारा पहले वाला ओरिएंटेशन आ जाए, उसके बाद फिर मूव ए लगा के हम इसको टॉप को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, सो अब बारी आता है मूव बी की। तो मूव बी को सॉल्व करने के लिए आपको पहले हेडलाइट बनाना पड़ेगा। हेडलाइट मीन्स देखो यहाँ पर ऑरेंज है तो यहाँ पर भी ऑरेंज रहेगा, यहाँ पर ब्लू है तो यहाँ पर भी ब्लू रहेगा, यहाँ पर रेड तो यहाँ पर भी रेड, और यहाँ पर ग्रीन तो यहाँ पर भी ग्रीन, कोई भी एक साइड पर हमारे दोनों कलर मैच होना चाहिए, और टॉप तो ऑलरेडी मिला हुआ रहेगा, ठीक है। तो हेडलाइट बनाने के लिए किसी भी साइड को आप पकड़ लीजिए और मूव बी लगाइए, मूव बी। हाँ जी, तो मूव बी लगाने के बाद हमारे पास यहाँ पर रेड में एक हेडलाइट मिल गया। तो जिस साइड हेडलाइट मिल गया उस साइड को तो हम घुमा के ऐसे सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद उस साइड को हम पीछे कर देंगे। देखो पीछे पीछे कर दिया, बस येलो टॉप में वाइट बॉटम में, और जिस साइड हेडलाइट मिल गया उसको सॉल्व करने के बाद पीछे कर देंगे। आफ्टर पीछे करेंगे हम क्या करेंगे, देखें अब हम पीछे करने के बाद मूव बी लगाएंगे। देखो हाँ, मूव भी लगा दिया। मूव भी लगाने के बाद इस लेयर को अगर हम ऐसे घुमाएं तो हमारा पूरा क्यूब क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यही हमारे पास एक 2x2 क्यूब को सॉल्व करने का टेक्निक। इसमें मैंने आपको जो मूव ए बताया और मूव बी बताया, ये दोनों मूव से आप क्या कर सकते हैं कि जो 3x3 रूबिक्स क्यूब है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, पूरा नहीं, आखिरी के दो जो आखिरी का जो लेयर है, टॉप लेयर और जो ओरिएंटेशन वाला जो लेयर होता है, हाँ, तो उसको सॉल्व करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है।